आज हमारी नर्सरी में कुछ मेहमान आए हैं। ये उज़ैर अरशद चौधरी साहब हैं और ये उस्मान अज़ीज़ कादरी साहब भी हैं। आए इनसे बात करते हैं। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईद का जैसे दूसरा दिन है, तो ईद के मौका पर ही हमने सोचा कि क्यों ना कि खिदमत खल्क के जो काम हो रहे हैं उन लोगों से मिला जाए और उनकी हौसला अफजाई की जाए। तो हम यहाँ पर आए हैं तो आते साथ ही देखा है कि जावेद साहब, अली हैदर साहब जो पहले से यहाँ पर मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। तो ईद के दिन भी इस तरह के कामों में मसरूफ़ रहना ये बहुत बड़ी कुर्बानी है और इशार है। यही जो है ईद का जो असल मकसद है, जो असल पैगाम है, वो भी ये है कि कुर्बानी दी जाए अपनी अना की, अपनी मेहनतों की, अपनी सलाहियतों की, अपने वक्त की, और दूसरों की भलाई के लिए काम की जाए। तो ये नर्सरी जो है मुझे यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा है कि यहाँ पर तकरीबन 20-25 किस्म के पौधे लगे हुए हैं जो ये फ्री देते हैं लोगों को लगाने के लिए। मुफ्त में ये कई जगहों पर जो है इसको लगा भी रहे हैं और यहाँ से कोई भी शहरी जो है लाला मूसा के शहरी यहाँ से आकर ले कर जा सकते हैं फ्री में लगाने के लिए। तो इनको प्रमोट किया जाए, इनका साथ दिया जाए। ये पिछले काफ़ी जो है कुछ माह से जो है बहुत काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा इन्होंने वर्क किया है जो शहर के अंदर नज़र भी आया है। तो हम इनकी हौसला अफजाई करते हैं, इनका साथ देते हैं, तो इंशाल्लाह हम खुद भी जो है पौधे लगाएंगे और लगाते भी रहे हैं पहले भी, इंशाल्लाह आइंदा भी इसको हम प्रमोट करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। कादी साहब, सर आप भी कुछ बोलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी।